दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों आज 30 मार्च है और आज सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग लिमिटेड का आईपीओ खुल रहा है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। आईपीओ के जरिए आईपीओ लाने वाली कंपनी पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है और शेयर बाजार में लिस्ट होती है, लेकिन निवेशक आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। हालांकि किसी भी आईपीओ में पैसे लगाना शेयर बाजार में पैसे लगाना जैसा ही रिस्की होता है और आईपीओ में पैसे लगाने से पहले खुद से रिसर्च कर लेना ज्यादा बेहतर होता है। तो आज मैं यहां पर आपको बताऊंगा सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग कंपनी के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें और लाइक करने के लिए कहें, और पैसों से जुड़े हुए कोई सवाल हो तो सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए आपकी भाषा में आसानी से पैसों से जुड़े हुए सवाल के जवाब दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो यह कंपनी ग्राहक कंपनियों को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ऑटोमेशन जरूरतों का समाधान मुहैया कराती है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और इसका पुराना नाम है सनराइज मार्केटिंग एंड सर्विसेज। यह कंपनी IE2 और IE3 ग्रेड के इंडक्शन मोटर्स, वॉल्व और हेलिकल गियर्स बॉक्सेस जैसे पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स, LED लाइटिंग फिटिंग्स, हाइड्रोलिक ऑयल, गियर ऑयल और थर्मिक फ्लूइड समेत सभी तरह के लुब्रिकेंट्स, इंडस्ट्रियल पंप्स, केमिकल पंप्स वगैरह की आपूर्ति करती है। अब आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो 30 मार्च को आईपीओ खुलेगा और 5 अप्रैल 2022 को बंद होगा। इशू का फिक्स प्राइस है ₹121 प्रति शेयर। 1000 शेयरों का लॉट होगा, यानी निवेशकों को 1000 शेयर खरीदने होंगे। कहने का मतलब हो गया कि निवेशकों को 1000 × 121 यानी ₹1,21,000 निवेश करने होंगे। कंपनी आईपीओ के जरिए 16,70,00,000 रुपए जुटाएगी। जब कोई निवेशक किसी आईपीओ में निवेश करता है तो योग्य निवेशकों को आईपीओ अलॉट किया जाता है। तो सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग का आईपीओ 8 अप्रैल को अलॉट किया जाएगा, और जब किसी निवेशक को आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो वो जो पैसा निवेश करता है वो वापस कर दिया जाता है। तो अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 11 अप्रैल को और निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 12 अप्रैल को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 13 अप्रैल को और शेयर BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किए जाएंगे। चूंकि सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग कंपनी SME कंपनी है, इसलिए BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे इस कंपनी के शेयर। इस आईपीओ में 50% हिस्सेदारी NII यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों के लिए आरक्षित है, जबकि बाकी 50% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर है फेडेक्स सिक्योरिटीज लिमिटेड और रजिस्टर है के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। फिर से कंपनी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो कंपनी का मुख्यालय सूरत में है। कंपनी आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने, अन्य सामान कारपोरेट उद्देश्यों को पूरा करने और आईपीओ का खर्च निकालने में करेगी। कंपनी के ग्राहकों में शामिल दिग्गज कंपनियां हैं NTPC, ONGC, गेल, जेके पेपर, शेल, यूनिक कंस्ट्रक्शन, क्रिवको, डायनामिक प्रोडक्ट्स, मेहुल जियो प्रोडक्ट्स, कोरोमंडल, आकाश टेक्सटाइल इंजीनियर्स LLP, एशियन पेंट्स। चलिए अब सवाल है कि आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, FPO में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के अलावा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप किसी बैंक में खुलवा सकते हैं, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड और स्टॉक मार्केट रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। हालांकि कुछ शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो किसी भी डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलता है और उस फॉर्म में जो जानकारी मांगी जाए वो जानकारी आप भर दीजिए। अगर आपको आईपीओ फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने शेयर ब्रोकर से भी इस बारे में बात कर सकते हैं।
तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।